एम क्यूम है या नून लीग है या जो भी है, मगर ये सब ऐसी, ये हमारे मुल्क के अंदर जो है ना ऐसी सियासत चल रही है कि सिर्फ अपने मफाद के जवाब देना, कुछ नहीं करे, 50-50 गज के प्लाट, सिर्फ 50 गज के दे दे, आपकी मेहरबानी होगी। प्लाट के नाम पे प्यार करते हैं भाई, ऐसे कपड़ों में हूँ मैं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का माए नाज मेकअप मैन हूँ, मैंने उसमें जिंदगी गुजारी और अभी देखिए क्या हो रहा है। पार्टी भी जो ना ये सारा काम करवाया, गरीबों के घर जो ना बर्बाद कर दिए हैं, माएँ बहनें जो ना बेपर्दा हो गई हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनके घरों में खाने के लिए नहीं था, ठीक है, आज वो रोड पे बैठे हुए हैं, ना उनके पास घर है ना कुछ है, यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए भी नहीं है। और ये सब जो ना जितना भी सारा पीपल्स पार्टी करवा रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं ऐसा करवा सकता यहाँ पे, एम क्यूम है या नून लीग है या जो भी है, मगर ये सब इस कौम ऐसी, ये हमारे मुल्क के अंदर जो है ना ऐसी सियासत चल रही है कि सिर्फ अपने मफाद के हैं, गरीबों के बिल्कुल नहीं। ये कर रहे हैं कि कराची वाले जो के जिन कब्रिस्तान नया बना रहे हैं ये हमारे लिए, ये हमें वहाँ पे गाड़ देंगे जाके। इनका भुट्टू साहब का नारा था कि रोटी कपड़ा मकान देंगे, और वही जो ना हमारे सर के ऊपर से ही जो ना वो छीन लिया हमारे सर। ये बच्चे हैं सुबह से इनसे पूछ रहे, कुछ भी नहीं खाए बेटा। तो कुछ खाया आपने? कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही बैठा ऐसे ही बैठा बेटा। कोई मकान की कोई मकान की कुछ भी नहीं खाया, तो बस ऐसे ही बैठा। गरीब लोग यहाँ पे आबाद हैं और तकरीबन 70-65 साल से ये आबादी, 74 से पहले की जो आबादी थी, तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि 74 से पहले जितनी भी आबादी है उन्हें नहीं उठाया जाएगा, और अगर उठाया जाएगा तो उन्हें कोई मुतबादल जगह दी जाएगी। आज ये तमाम गरीब हम लोग जो ये खड़े हुए हैं, इनके लिए ये आप देखें कि इस तरीके से इन्होंने एक हमला किया है, एक तरीके से भूख से मर रहे हैं, यहाँ पे खाना नहीं है, बच्चों के पास पानी नहीं है, और बड़े बड़े इदारे जितने भी खुदाए, ये जितने भी सैलानी वेलफेयर के जितने भी आलमगीर जितने भी हैं, हमारी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पे खाना देने के लिए नहीं आ रहा, कोई इमदाद देने के लिए नहीं आ रहा। हमने अपने मकान तोड़वाने की इजाज़त दे दी, अपनी मदद अपने मकान खुद तोड़ रहे हैं, अभी हम कोई फसादी नहीं है भाई। कल एक औरत रोती हुई कहती थी कि मेरे पास कराया नहीं कि मैं अपना सामान अपनी फैमिली को लेकर चली जाऊँ। आ रहे हैं हम ही उठा रहे हैं भाई, ऐसे जुल्म करते हैं, ऐसी हुकूमत पे तो लानत भेजता हूँ मैं, ऐसी हुकूमत पे। बात तो सही तरह से गरीबों का काम नहीं कर रही, बस उनके पास फंड जमा हो रहा है और ये फलाई अंदाज पेश नहीं कर रहे। अब हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा इदारा नहीं आया कि हम आपके लिए चावल कम से कम खाना दे, खाना तक भी किसी ने अभी तक हमें ऑफर नहीं किया कि तुम लोगों के घर उठ रहे तुम्हें खाना तो दे दे। भाईजान मैं आपको ये बताऊँ, पूरा लियाकताबाद जंगीराबाद नाजमाबाद में मकान किराए पे नहीं है, और आप ये देखिए पूरी फैमिली 7 नंबर से लेके मुझे तक हजारों बच्चे कहाँ फले थे, जिम्मे आए ना इनको ले जाए मर गए। गुजारिश करते हैं अल्लाह करे इनको अल्लाह मियाँ हिदायत देगा, हमें मकान दिलवा दें, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। 65 साल से रह रहे हैं, हमारे बड़े हैं वो चले गए, उनसे छोटे हैं वो चले गए, हमारा नंबर है। छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए, बीमार बच्चे छोटे छोटे हमारे रोडों के ऊपर बैठे, सामान कहाँ लेके जाए, पहले से आप दिलासा दे रहे हैं भाई तुमको जगह देंगे, कौन देगा हमारे को जगह, कोई नहीं देगा, बैठे हैं अल्लाह के आसरे।